जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन की तैयारी आपकी जम के चल रही होगी और आपकी इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हॉस्टल वार्डन के महत्वपूर्ण विषय कंप्यूटर, जो 100 में 30 अंकों का कंप्यूटर होना है, इसके कंप्यूटर की सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ। इस MCQ सीरीज को देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि व्यापम के परीक्षा के पैटर्न को हम देखें, अगर आपकी परीक्षा में 30 प्रश्न आ रहे हैं तो मान के चलिए 10 प्रश्न जो है वो व्यापम में पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न या उस पर ही आधारित होंगे। तो इसीलिए व्यापम के पुराने प्रश्न और उस पर आधारित प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है ये, जिसके पहले 2 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस को हमारे चैनल में देख सकते हैं। ये इस वीडियो सीरीज का 3रा वीडियो है। और इसके साथ ही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी हाँ, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी, और चंद्रा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े ताकि किसी भी प्रकार की नई जानकारी के लिए आप तुरंत अपडेट हो सके, ठीक, जिसके लिए नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो चलिए हम पुराने क्वेश्चन की जो ये सीरीज है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का मेरा टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, इसके अंतर्गत करीब करीब 25 फैक्ट हैं जो घूम फिर के हमारे परीक्षाओं में आते रहते हैं। यदि हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे, तो हमारा 3 से 4 पेज का नोट्स बनता है। जनरली मैं क्लासेस लेता हूँ, 2 क्लास कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित मेरी होती है, जिसमें 3.5 से 4 पेज का नोट्स बनता है और उससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं आ सकता। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही उटपटांग होते हैं, जो परीक्षा में ही आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। तो वैसे प्रश्नों को देखने के लिए ही हम ओल्ड क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम यहाँ कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ये MCQ काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम इसमें एक क्वेश्चन और उसके आंसर को तो देखेंगे ही, बाकी अन्य ऑप्शन की भी क्या विशेषताएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये MCQ सीरीज आपके कंप्लीट रिवीजन के लिए भी सहायक होगा और आपके एग्जाम की 30% तैयारी तो ये सीरीज करा ही देगी। तो इस सीरीज में बने रहिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या कह रहा है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे। भाई, जो ट्रांजिस्टर है कौन सी जनरेशन में उपयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन में तो हमारा सही आंसर है दूसरा, तो हम जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन का जो मेन डिवाइस है, मुख्य डिवाइस है, वो है वैक्यूम ट्यूब। वैसे ही सेकेंड जनरेशन का जो मुख्य डिवाइस है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की यदि हम बात करें तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार बेल लेबोरेटरी में हुआ है और इसको बनाने वाले 3 व्यक्तियों का नाम आता है। ये भी आपके परीक्षा का प्रश्न हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अगर हम सेकेंड जनरेशन की मेन डिवाइस की बात कर रहे हैं तो सेकेंड जनरेशन की मेन डिवाइस तो ट्रांजिस्टर ही है। ट्रांजिस्टर को बनाने वाले 3 व्यक्ति है। एक है विलियम शॉकले। कौन है भाई? विलियम शॉकले। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है वॉल्टर ब्रिटन, वॉल्टर ब्रिटन। और इसके अलावा एक और नाम आपको याद रखना है, जॉन बार्डीन। कौन है भाई? जॉन बार्डीन, ठीक है। तो इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया कहां? बेल लेबोरेटरी में। बेल लेबोरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि बेल लेबोरेटरी में ही सी लैंग्वेज को बनाया गया है, बेल लेबोरेटरी में ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। कंप्यूटर में बेल लेबोरेटरी का नाम बहुत बार आता है, तो इसीलिए इतना फैक्ट ध्यान रखना है। ऐसे ही हम एक एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करते जाएंगे भाई, लेकिन एक क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को या थ्योरी को कवर नहीं कर सकते, जितना कवर हो सकता है उसे हम करते जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। ट्रांजिस्टर, अभी हमने सुना है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे। वैक्यूम ट्यूब अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। कैथोड रे ट्यूब तो ऑप्शन में रहने लायक ही नहीं है। कैथोड रे ट्यूब CRT एक मॉनिटर का प्रकार है जो आउटपुट डिवाइस है, इसीलिए यहां तो रहेगा ही नहीं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 बचा, बहुत बड़े पैमाने में इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे इंग्लिश में कहा जाता है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है चौथी जनरेशन के कंप्यूटर की मुख्य डिवाइस है, ध्यान रहेगा।
अब यहां हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी की बात कर रहे हैं, तो आईसी का आविष्कार किसने किया ये भी आपको पता होना चाहिए, व्यापम का आया हुआ क्वेश्चन है, भी आगे आएगा। आईसी का आविष्कार किया है जैक किल्बी ने, किसने किया है भाई, जैक किल्बी। तो ये नाम बिल्कुल रट लेंगे, जैक किल्बी। एक और व्यक्ति है इनके साथ, रॉबर्ट नोई, लेकिन रॉबर्ट नोई बहुत इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, लेकिन जैक किल्बी एग्जाम में आया हुआ है जो आगे आने वाले क्वेश्चन में भी आपको दिखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री हमसे ये कह रहा है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी। तो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन जो था वो इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और आईसी के बारे में अभी हमने जाना है, आईसी का आविष्कार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए, किसने किया, जैक किल्बी ने किया और उसके सहयोगी थे रॉबर्ट नोई, ध्यान रहेगा। तो ऐसे ही हम डिटेल एनालिसिस करते जाएंगे प्रश्नों का, हमारा अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा और आपके एग्जाम की 30% तैयारी तो गारंटेड इन्हीं प्रश्नों से हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप डिटेल अन्य और 70% की तैयारी तगड़ा करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी बुक फॉलो करनी है या किसी कोर्स को ज्वाइन करना है। और कोर्स के लिए मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस मात्र 499 रुपए है। इसके अतिरिक्त आप मेरी लाइव कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस रहेगी मात्र 1000 रुपए, सुबह के समय अभी ये लाइव कक्षाएं चल रही है। इसके अलावा आप ऑफलाइन क्लास भी मेरी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस है मात्र 2000 रुपए। जो लाइव कक्षाएं रहेंगी वही रिकॉर्डेड कोर्स में आपके ऐड होते जाएंगी। तो आपको यदि फाइनेंशियल इशू है तो आप सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स में भी काम चला सकते हैं, और किसी भी प्रकार के डाउट होने पर मैं तो हूं ही, आप मुझसे कभी भी बेझिझक होकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि खालिस्तान में IBM ने घर और कार्यालय उपयोग के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पेश किया था। तो भाई व्यक्तिगत कंप्यूटर IBM ने, यदि आप इधर उधर कुछ बुक फॉलो करेंगे या सर्च करेंगे तो 1980 का समय हमें दिखाई देता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो कौन सा रहेगा, 1981, और व्यापम के द्वारा लिया गया है इसीलिए आप याद रखेंगे। अगर परीक्षा में 80 और 81 दोनों रहता है तो व्यापम ने चूंकि 81 लिया है आप 81 को टिक करेंगे, नहीं तो आप यदि सर्च करेंगे तो 80 आपको दिखाई देगा। हालांकि ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि ऐसे फैक्ट जनरली बुक्स में नहीं रहते, ये एग्जाम में आते हैं तभी हमें पता चलते हैं। ठीक, तो क्या याद रखना है, IBM ने पर्सनल कंप्यूटर कब लॉन्च किया, 1981। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला पीढ़ी का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नहीं है। तो भाई हम बात करें यूनिवैक, एनियक, एडवैक, ये तीनों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, एनियक, एडवैक, एडसैक और आपका यूनिवैक, और उसके पहले के जो आपके कंप्यूटर है Mark 1 टेबुलेटिंग मशीन, ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आएगा, लेकिन IBM 360 जो है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब यूनिवैक, एनियक और एडवैक का फुल फॉर्म भी हमारे एग्जाम में आया है तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, फुल फॉर्म आप बुक रिफर कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। यूनिवैक होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी विशेषता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पूरे दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक क्या है, पूरी दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर है, ध्यान रखेंगे। एनियक की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये क्या है आपका एनियक। एनियक पूरी दुनिया का पहला डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, पूरी दुनिया का पहला डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, एनियक, ध्यान रहेगा। व्यापम का है वह क्वेश्चन है, अभी यहां दिख जाएगा आने वाले क्वेश्चन में। एडवेक की बात करें तो एडवेक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, लेकिन एडवेक का ही एक भाई है एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो एडसेक की अगर मैं बात करूंगा तो एडसेक पूरे दुनिया का पहला वो कंप्यूटर है जिसमें कोई डिजिटल प्रोग्राम स्टोर किया गया था। ठीक, तो पहला कमर्शियल, पहला डिजिटल और पहला डिजिटल प्रोग्राम स्टोर करने वाला कंप्यूटर, ये तीन अलग अलग है भाई, ध्यान रखेंगे इसे। तो ऐसे ही प्रश्नों का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, आपकी तगड़ी तैयारी होते जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकंड जनरेशन क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसका सबूत आपको यहां दिख रहा है, इसीलिए पुराने क्वेश्चन का एनालिसिस जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन हमसे क्या कह रहा है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी ने किया था? भाई फर्स्ट जनरेशन का मुख्य डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब कांच के एक जार जैसा था जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर होते थे, इसीलिए ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, बिजली भी ज्यादा लेता था, स्पीड भी बहुत कम थी, ये इसकी विशेषताएं थी। चलिए आगे चलते हैं। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाई ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन बनाया था। ध्यान रखेंगे, ब्लेज पास्कल ने 1642 में पास्कलाइन बनाया था, और पास्कलाइन जो है पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन या पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ध्यान रखेंगे भाई, ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया था? ब्लेज पास्कल ने बनाया था पास्कलाइन, और पास्कलाइन जो है 1642 में बना, पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन, पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है जो ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। भाई ये शुरुआती हिस्ट्री और जनरेशन से संबंधित जो वीडियोस हैं, ये मेरे चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी और चंद्रा एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड, दोनों में इसकी डिटेल क्लासेस अपलोडेड है। आप उससे भी एज अ डेमो, चार पांच क्लास ही है शुरुआती, एज अ डेमो वहां पर अवेलेबल है, वहां पर भी आप देखेंगे तो पूरा कंप्यूटर का हिस्ट्री मैंने बताया, आप उसे जरूर फॉलो करें, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जॉर्ज बूले जो है इसका संबंध नहीं है इस फील्ड से। चार्ल्स बेबेज, जी हाँ, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया, और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। विश्व में कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। इसीलिए व्यापम में एक बार क्वेश्चन आया, चार्ल्स बेबेज किस देश के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के रहने वाले हैं। रट लेना है भाई यहां से। हरमन हॉलरिथ की हम बात करें तो हरमन हॉलरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन बनाया था। हरमन हॉलरिथ ने क्या बनाया था भाई? टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाया? हरमन हॉलरिथ ने। और टेबुलेटिंग मशीन वो पहला डिवाइस है जिसमें किसी इनपुट डिवाइस का उपयोग पहली बार हुआ था। तो पहला इनपुट डिवाइस जहां उपयोग हुआ वो हरमन हॉलरिथ की कौन सी मशीन? टेबुलेटिंग मशीन में हुआ, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और फिर वही कह रहा हूं, इसका डिटेल एनालिसिस आप अभी फ्री में ही मेरे किसी वीडियो में हमारे चैनल में देख सकते हैं, देखिए। ठीक, दूसरा एक पॉइंट यहां पर याद रखना है कि यही टेबुलेटिंग मशीन आगे चल के टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनी, और यही टेबुलेटिंग मशीन कंपनी आगे चल के आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वर्तमान की एक पॉपुलर आईटी कंपनी है, ध्यान रखेंगे भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ हमसे क्या कह रहा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। बहुत सरल है, वही क्वेश्चन है, ठीक, आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है भाई, एकीकृत सर्किट मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट ही है ये, आईसी की बात हो रही है, ट्रांजिस्टर आपको पता ही है, VLSI, ये वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट है। एक होता है LSI, एक होता है VLSI, एक होता है ULSI और एक होता है XLSI। तो वी आपका LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है, तो ये आम भाषा में समझिए IBM के द्वारा बना गया पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन सा है? वो है मार्क वन। तो मार्क वन यहां पर आंसर लिया गया है। मार्क वन पूरे दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, अर्थात एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों डिवाइस का मिक्सचर है, ठीक। तो पूरे दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन है? मार्क वन, जिसे हार्वर्ड आइकन ने बनाया था। हार्वर्ड आइकन आईबीएम कंपनी के ही इंजीनियर थे जिनके द्वारा इसे बनाया गया, इसीलिए क्वेश्चन है आईबीएम द्वारा स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर, एक ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड कैलकुलेटर किसे कहा जा रहा है? तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कौन है यहां पर? मार्क वन। एनालिटिकल इंजन तो चार्ल्स बेबेज, आईबीएम से कोई संबंध नहीं है। यूनिवैक का भी आईबीएम से कोई संबंध नहीं है। एनिएक का भी आईबीएम से कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखेंगे। एनिएक और यूनिवैक दोनों को जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली ने बनाया है, ये भी नाम आप यहां पर सुन लीजिए, जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली। या तो आप इस वीडियो में ही नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो एज अ डेमो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप पूरा वहां से लिस्ट नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने वहां काफी डिटेल में इसे बताया। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है?
तो भाई परम क्रांति, परम पद्म, युवा 8000, परम क्रांति नाम का कोई नहीं है, परम पद्म है, परम युवा है, परम 8000 तो पहला ही भारत का सुपर कंप्यूटर है जो 1991 में सी डेक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड भी वीडियो पब्लिश्ड है, आप पूरे सुपर कंप्यूटर का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब एक ये जरूरी नहीं है आप ऐसे प्रकार के फैक्ट ढूंढ के हर शब्द का ग्रीक वर्ड आप ढूंढने लगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए एग्जाम में आए लिए हमको पढ़ना है, सबूत दिख रहा है, हर अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है, तो माइक्रो प्रोसेसर हमें इसे रट लेना है। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जब एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, तो एनालिटिकल इंजन के साथ काम कर रही थी लेडी अगस्ता एडा, और उसमें पहली बार प्रोग्राम इंस्टॉल किया था अगस्ता एडा ने, इसीलिए इन्हें पहली प्रोग्रामर माना जाता है। कौन? लेडी अगस्ता एडा, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे, चार्ल्स बेबेज के साथ इन्होंने काम किया है। चलिए, सुपर कंप्यूटर की गति किसमें नापते हैं, मैंने पिछले ही कुछ वीडियो में आपको बताया है, सुपर कंप्यूटर की गति किसमें नापी जाती है, फ्लॉप्स, फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आए हुए, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम, देखिए बैंकर्स एल्गोरिथम हमारे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, ये कंप्यूटर में थोड़ा डीप जाने वाला फैक्ट है, मैं फिर भी आपको यहां पर समझा देता हूं। बैंकर्स एल्गोरिथम ऑप्शन देख के लग रहा है डेड लॉक से ही ये संबंधित है, डेड लॉक दूर करने, डेड लॉक पहचानने, रोकने और हल करने। तो देखिए बैंकर्स एल्गोरिथम, पहले तो हम डेड लॉक समझते हैं, डेड लॉक क्या होता है, डेड लॉक कहने का मतलब ये है कि डेड लॉक शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है रेसलिंग में। अगर रेसलिंग में आपने देखा होगा कोई किसी को ऐसे लॉक कर देता है गला दबा के, उसे सबमिशन करना कहते हैं, तो जब उसे लॉक कर देता है सामने वाला छुड़ा नहीं पाता, वो पोजीशन कहलाती है डेड लॉक। अब या तो सामने वाला सरेंडर करेगा, हार मानेगा, या तो छुड़ाने का प्रयास कर सकता है तो करेगा, पर अगर नहीं छुड़ा पा रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, डेड लॉक। समझ में आ रहा है? तो कंप्यूटर में क्या होता है, जब दो प्रोग्राम रन होते रहते हैं और आपस में कुछ इस प्रकार फंस जाते हैं कि वो अब रन नहीं हो पा रहे हैं, डेड लॉक की कंडीशन में आ गए, मतलब मरते दम तक के लिए लॉक हो जाना, अब वो खत्म ही हो सकते हैं। तो डेड लॉक यानी दो प्रोग्राम जब एक दूसरे में फंस जाएं और एग्जीक्यूट ना हो पाए तो वो कंडीशन कहला रही है डेड लॉक। डेड लॉक को रोकने के लिए जिस एल्गोरिथम का यूज होता है वो है आपका बैंकर्स एल्गोरिथम, ध्यान रहेगा। डेड लॉक दूर करने के लिए नहीं होता है, डेड लॉक पहचानने के लिए नहीं होता है, डेड लॉक हल करने, क्योंकि डेड लॉक क्या है, मरते दम तक के लिए फंस जाना, वो है डेड लॉक। तो जब मरते दम तक के लिए फंस जाएगा तो वो तो मरते दम तक के लिए फंस गया ना, आप उसको दूर नहीं कर सकते हो तो फंस गया, आप उसको हल नहीं कर सकते वो तो फंस गया, आप उसकी पहचान करके क्या करोगे, वो तो फंसा हुआ दिख रहा है, आप ऐसी सिचुएशन को केवल रोकने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्चुअली याद रखना, ये काहे के लिए होता है, रोकने के लिए होता है, बंद करने के लिए तो होता ही नहीं है, केवल रोक ही सकते हैं। ठीक, अगले में आते हैं, आंतरिक मेमोरी में एनियक कंप्यूटर कितने अंक तक स्टोर कर सकता है, ये भी ऐसा फैक्ट है जो नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछा गया है, तो यहाँ पे आप याद रखिए इसका आंसर है 20, कि एनियक जो है वो 20 अंक तक का डेटा स्टोर कर सकता है, ध्यान रहेगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, एक फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करने वाला कमांड है, तो भाई ऑप्शन से आपको देख के समझ में आ रहा है कि प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड होगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करना। चलिए आगे चलते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, एनियक, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक और प्रथम डिजिटल कुछ भी पूछे, एनियक, एटनास ऑफ बेरी को नहीं टिक मारना है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित पुराने समय का कंप्यूटर का नाम नहीं है, ठीक है, प्रारंभिक समय के कंप्यूटर की हम बात करें तो जी हाँ, हिस्ट्री में मार्क वन है, एनियक है, यूनिवैक है, यूनिवैक वन लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन एडा की हम बात करें तो ये प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, एडा बाद में बना है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ये प्रारंभिक श्रेणी का कंप्यूटर नहीं। चलिए आगे आते, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हुई है, तो भैया चौथे जनरेशन में ही मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हुई है, जितना एडवांस प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, ये सब कब शुरू हुआ है आपका, चौथे जनरेशन से, ध्यान रखेंगे।
आईबीएम का पूरा नाम क्या है भाई? आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये है हमारा आईबीएम कंप्यूटर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऐसे प्रश्न भी हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया है? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार याद रखिए, और आने वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसमें भी हम डिटेल में देखेंगे इसे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया है इंटेल कंपनी ने। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रोसेसर बेचने वाली बनाने वाली कंपनी इंटेल ही है, ध्यान रहेगा। तो चलिए, आज ये हिस्ट्री के अंतर्गत हमारे इतने प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और कुछ हमारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा डिटेल एनालिसिस क्लियर हो गया होगा, और वीडियो की इस सीरीज में बने रहिए। और इसके साथ ही मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, यदि आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 499 रुपए, लाइव क्लास 1000 रुपए, और ऑफलाइन क्लास कंप्यूटर के लिए मात्र 2000 रुपए में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त चंद्रा एकेडमी में सीजीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और व्यापम के कंप्लीट कोर्सेज भी उपलब्ध है, जिसे आप रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चंद्रा एकेडमी के मंथली सब्सक्रिप्शन का भी फायदा उठा सकते हैं, जिसमें मात्र 995 रुपए की फीस के साथ आपको प्री, मेंस और व्यापम के हमारे सारे वीडियो लेक्चर 30 दिन की वैलिडिटी के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक वीडियो और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी जमकर कीजिए। थैंक यू।